चुप करो तुम, बस कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा। मैंने कुछ देखिए, हासिल को ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी हासिल को ना बहुत लगी। हशमा आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, कल मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, यहाँ तक कि मुझे सांस तक नहीं आ रही थी। और डॉक्टर्स ने बताया कि आपको हार्ट का कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो सबने मेरे लिए भी दुआ। और इधर रिमशा भी आ चुकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? मैं नाज़ सिस्टर, कल बहुत ज़्यादा डरा दिया था हमें। हाँ, कल सब मेरी वजह से, अम्मी की वजह से सब परेशान थे। और शाजिया को इनकी नुकरानी है, इसको भेजा हुआ है दुकान पे अपने लिए चीजें लेने। बात की मैं इसकी नुकरानी हूँ, क्या करूँ, मुझे ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा तंग करती हैं। ये देखे, अभी देखे क्या लेने क्या गई, ये चीजें देखो आप। ये अम्मी के लिए और आशा के लिए जूस भी ले, अम्मी के लिए जूस। अच्छा, ये जूस ले आई है अम्मी जान के लिए, ये पकड़ो। और ये क्या है? ये टांगर है रिमशा और आप ही के लिए। टांगर इनको पसंद है, मिठाई होती है टांगर हम इसको बोलते हैं। और ये बिस्किट आशा के लिए, ठीक है। ये दुकान से ना लेने गई है। हाँ, और इधर जोया कह रही है कि मुझे दो, मुझे दो, मैं और कोई चीज नहीं लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, दो दो इसको, रुलाओ नहीं। तो अभी जी गाइस, अबू जान आते हैं तो मैं जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट काम से। वो इम्पोर्टेंट काम क्या है वो भी आगे चल के व्लॉग में आपको बताता हूँ। और आपने मेरे व्लॉग को पूरा देखना है, मिस नहीं करना, ज़्यादा सपोर्ट किया करें, क्योंकि आपके लिए कोशिश करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और इसी के साथ ही हमारी रोज़ी रोटी जुड़ी होती है। आप सिर्फ हमारी वीडियो को पूरा देख लिया करें, और आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी सिर्फ वीडियो देखने से हमारी ज़िंदगी जो है वो बन जाए और इसमें बेहतरियाँ आ जाएं। तो अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर दे आपको। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हाशिम। तो अभी जी देखें मौसम कैसा है, गर्मी बहुत थी लेकिन अभी हल्की हल्की लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है। वो देखें, वो परिंदे, वो कीड़ी और मुर्गा ना, वो बैठे ठंडी जगह में बैठे हैं, पानी इधर से ठंडा ठंडा गुजर रहा है ट्यूबवेल का, और इधर आराम से वो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। इधर ठंडा पानी है ना, पानी में ओ, सब नहा तो पे चढ़ गए वो देखो। हाँ आवाज आ रही है ना। हाँ। परिंदों की आवाजें, चहचहानों की, चहचहाते परिंदों की आवाजें आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना अपने इस गांव में रहते हुए बहुत सुकून महसूस होता है। हर परिंदे की आवाज़ इधर आपको आएगी, कौवों की, कोयल की। हाँ, और रोज आती है सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह ही सुबह, जब नमाज का टाइम होता है तो सुबह ही सुबह आ जाती हैं। हाँ, सबको जगा रही होती है। हाँ, नमाज के लिए, उधर से मुर्गे जगा रहे होते हैं। हाँ, नमाज के लिए तो फिर भी हम ना थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। हाँ, कभी कभी ठीक है, कभी कभी आलस हो जाता है कि नहीं अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, और फिर दिन निकल आता है, ऐसा होता है। और हमारे साथ नहीं, आपके साथ भी कभी कभी होता होगा ऐसा। हाँ बिल्कुल, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए है ना यार। अभी ना मैं बीमार हूँ, आयशा बीमार है, अबू जान बीमार हैं, अम्मी जान बीमार हैं, ठीक है, घर के आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिमशा और आप ही जान ठीक हैं। अभी हाशिम हमने ये सोचा है कि हम घर में ना छोटी सी दावत कर लेते हैं, और जो भी घर में जो भी बीमार है ना दावत करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, दावत करते हैं, बच्चों को मदरसे से बुलाएंगे। हाँ, वो कुरान पाक का ख़त्म करेंगे, और सबके लिए हम अपने देखने वालों के लिए भी दुआ कराएंगे। हाँ, और अपने लिए, अम्मी जान के लिए। हाँ, और जितनी भी मेरी बहनें भाई किसी भी परेशानी में मुसीबत में, हम सबके लिए दुआ कराएंगे। अल्लाह ताला आप सबकी भी परेशानियां दूर करे, और हम सबको भी सुख वाली ज़िंदगी दे। और मैं वेट कर रहा हूँ अबू जान का, अबू जान आते हैं तो फाइनली आज ही मैं कैसे बताऊँ आपको कि क्या होने वाला है। खैर थोड़ी ही देर है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन मुझे मजबूरन समथिंग जो है वो
ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा ना चाहते हुए भी जो है वो बंदे को करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही समझ लें कि आज ना चाहते हुए भी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अबू जान आते हैं ना, बताता हूँ कि मैं क्या कर सब कुछ करवाती है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। और अभी रिमशा और मैं चलते हैं, मैं अभी बकरियां खोलती हूं इधर। नहीं यार अभी इतनी धूप है, क्या हो गया, इधर भी धूप आ गई है लेकिन। नहीं थोड़ी थोड़ी छांव देखो खड़ी तो है, अभी शाम होती है ना देखे। हाँ। पहले दरख्त ज्यादा थे, अभी हमने और दरख्त लगाने हैं इंशाल्लाह। ये हमारा गेट वाला मिस्त्री कोई नहीं मिल रहा हमें, हमने ये हाशिम तोड़ दिया है, ये तोड़ दिया है, ये वैसे भी गेट पीछे होगा तो इसलिए ना ये इसको हम सेट कराएंगे। आ जाओ अंदर, गर्मी है बाहर, उन्हें बकरियां नहीं सर निकालनी फिर। अभी चलो अबू जान अभी आ चुके हुए हैं और क्या क्या लेके आए हैं, टिंडे, टमाटर, मिर्चें, सब्जी और ये क्या है, सारे इंतजार में थे कि अभी अबू जान आएंगे कुछ। इसमें क्या है बताओ, ये तुमने कोई चीज मंगवाई होगी और क्या है। अच्छा के लिए दूध, मिल्क, ये अबू जान अभी सब कुछ ले आए हैं। दिखाओ और क्या क्या, ये केले भी हैं। हाँ। अच्छा केले तो मुझे दो ना एक आध कोई देखो दे। अच्छा आयशा को भी, उसको जोया को भी दो, ठीक है, अम्मी जान, अम्मी जान सब को दो। हाँ। और ये जो समोसे तुमने मंगवाए हैं ना ये भी आप ही को भी दो, ठीक है, अभी आप ही खा लो, सही है ना। खाते हैं बस, इंतजार में थे, सुबह से भूख लगी हुई थी ना। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो खा, नहीं था घर में, बस चटनी बनाई थी वो अम्बलियों की चटनी। खा लो, बच्चों को भी दो, सब खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अम्मी जान केले खाएंगी, वो समोसे नहीं खाएंगी। रख देते हैं, अभी गरम है थोड़े। हाँ, ये रख दो। हाँ, ये फ्रिज में रखो फिर ठंडे होंगे। फ्रिज में रखते हैं, हाँ देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ देती हूँ, अभी थोड़ी गरम है ना, दुया को भी ले दो, चलो ये लो। चलो ये ऐसे खा लेंगे, ठंडे होने नहीं देते, सब्र होता है बच्चों में। पानी भी रख दो, ठंडा हो जाएगा फिर। पानी अभी फ्रिज चलाया है ना, पानी भी नहीं है। फ्रिज हमारा देखें इसमें क्या क्या है, कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, एक मेडिसिन पड़ी है आयशा की, और ऊपर पानी की बोतल, और अभी केले रख दिए, और अभी बनाते हैं अंदर बैठ। अच्छा चलो। मेरी तबीयत खराब है वरना मैं आपके साथ खाता। ये अभी तुम कह रही हो कि शुक्र है ये तो नहीं खा रहा, ऐसे ही ना। चमची चावे ना, चमची चाव, ये देखें चमची ले। निकालो कितने हैं, तीन है, और कितने हैं, नहीं तीन नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, तीन है बस, सारे निकालो, खत्म हो गए। अच्छा चटनी है, उसे तुमने मेहमान को वो भेजने, चमची लेने भेज दी है, भूख लगी है सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। चलो ये खा लो, तुम अभी को भी दो। 6 माह पहले ये बाइक मैंने ली थी और इतने ज़्यादा शौक से, इतनी पसंद से मैंने ली थी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको कभी भी सेल आउट करूँगा, बेच दूँगा। लेकिन ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, तो मैं कभी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये फिर भी आज जो है ये करना पड़ रहा है। तो ये देखें बिल्कुल नई बाइक है, और आज मैं इसकी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ले कर जा रहा हूँ सेल आउट करने के लिए। और इमशा को भी मैंने, क्या हो गया, चुप करो यार, सब्र करो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें और देगा, ठीक है, तो फिर हम ले लेंगे, सही है इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ देखें, जो चीज़ अपनी होती है ना तो उसका दुख होता है, ठीक है, वो जब बंदे से दूर होती है ना उसके बिछड़ने का दुख होता है। तो ये बाइक ना हमारी लाइफ में जब आई थी ना सिस्टर, तो
हमें बहुत खुशी हुई थी और इसने हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ, और ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर में से ना कोई हमारा फैमिली मेंबर हमसे दूर हो रहा है, इस तरह से ये हमारा अभी सिस्टर इसके ऊपर ना ये ऊपर वो लगा हुआ है, और अभी जाके वहाँ पे इसका कितना मूल लगता है, कितने में ये बिकती है, तो वहाँ जाके शोरूम्स पे ही पता चलेगा। तो अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ और मौसम भी थोड़ा बादल वगैरह बन रहे हैं, आज दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अभी जो है मौसम, चुप कर जाओ यार, चुप करो तुम, बस कर दो। उन्होंने कहा कि बैग है, फिर आ जाएगी, अल्लाह अल्लाह ताला और देगा, रिस्क में बरकत डालेगा, इंशाल्लाह जरूर देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देंगे। और लेकिन देखें मेरी मोटरसाइकिल है नहीं, तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक याददाश्त, मेरे चैनल पे वीडियो रह जाएगी। ये चली हुई सिर्फ और सिर्फ 11,000 किलोमीटर है, ठीक है, और 6-5 मंथ हुए इसको लिए हुए। तो बाकी आज मैं जा रहा हूँ और जाके अभी आज मैं भावलपुर जा रहा हूँ, वहाँ पे ही इसको बेचेंगे, वहाँ पे इसका कितना जो है वो लगता है। आप सब ने यार दुआ करनी है, कल के व्लॉग में बताऊँगा कैसे बिकी है, बल्कि दिखाऊँगा कि कैसे मैं इसको बेच रहा हूँ और कहाँ कहाँ मैंने इसको कैसे बेचा है, किस दुकान पे बेचा है, किस शोरूम पे बेचा है। तो आप सब ने आज के व्लॉग में दुआ करनी है कि ये सही रेट में अच्छे पैसों में बिक जाए ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, क्योंकि जब इंसान कोई चीज़ लेता है उस टाइम तो ले लेता है लेकिन बेचते हुए उसमें नुकसान ज़रूर होता है। इससे हमारा दिल था, हाँ दिल लगा हुआ था हमारा इसके साथ, लेकिन खैर अभी हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, तो ऐसे ही समझ लें। तो अभी फिर इसको हम खो रहे हैं, ठीक है, जो हम नहीं चाहते थे लेकिन हाँ हो रहा है ऐसा। तो बाकी आप सब बहनों और भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमारी सिर्फ इतनी सपोर्ट करनी है, सिर्फ हमारा इतना साथ देना है, हमारी वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि हम ऐसे ही मेहनत करके जो है वो और अच्छी बाइक ले सकें, ठीक है। तो आप सब के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, इंशाल्लाह ज़रूर हमारा साथ देंगे, इंशाल्लाह। तो अभी मैं अम्मी जान से इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है, अम्मी जान के लिए भी आपने दुआ करनी है, अम्मी जान ठीक हो जाए, ठीक है। हाँ, ये मैंने सारा कुछ उठा लिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, जो चाहिए होते हैं बेचने के लिए, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर है, ठीक है। तो अभी जाते हैं और फिर देखते हैं, ये देखें, ठीक है, ये रखो, इसके अंदर खड़ा करो, मेरी वो जूता ये टूटा हुआ है, वो दूसरा जूता दिखाओ, मैं जाता हूँ फिर, है नाजापी भी साथ ही हैं, आप सब ने दुआ करनी है कि हाँ सिंह के लिए जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा, अभी आशा की तबीयत भी खराब थी तो इसे भी साथ लेकर आए, तो ये भी बहुत ज्यादा रो रही है। अभी मैं नाज, अभी रिमशा और भाई आए मुझे लेके हॉस्पिटल, क्योंकि रात में बिल्कुल ठीक सोया हूँ और सुबह उठते ही मैंने समझा कि ऐसे नॉर्मली तबीयत खराब थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्या बताएं आपको, हालात इतने ख़राब है ना, गर्मी है और बंदियों की तबीयत है इस गर्मी में ज़्यादा ख़राब हो जाए ऐसे। जल्दी जल्दी खत्म हो, मुझे नीचे ना वो हो रही है, इसके ऊपर सो रहा हूँ ना तो अंदर पता नहीं इसके क्या है, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी नहीं, ये बेड है ना ये फूम के बने हुए हैं ना, इसलिए इतना
गर्मी देते हैं। हॉस्पिटल में तो ऐसे ही होता है, चार पाई चोली होती है, यही होते हैं। बस अल्लाह माफ़ी करे, अल्लाह ताला हॉस्पिटल और ऐसी जगहों पे ना अल्लाह ताला किसी को भी ना ले आए। बस तौबा करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी जगहों पे किसी को ना ले आए। जो तो परेशानी होती है।